रास्ते में निवास करते करते बारात अवध पहुंची। माता उन्हें चार सिंहासन पर नौ दंपतियों को बिठा करके आरती की। जो कोई परीक्षण आदि जो मेहमानों को निवास स्थान दिया गया। विश्वामित्र जी को भीतर भवन में निवास करवाया गया। धीरे धीरे मेहमान पर विदा होने लगे। आखिर में विश्वामित्र की विदा को विदा ही महाराज विश्वामित्र जी ने अवधेश को कहा, अगर मैं भी चलूं। विश्वामित्र बहुत सावधान, कभी कभी साधु को बुद्ध पुरुष को अपने यजमान अथवा तो समाज के कोई भी परिवार का इस महापुरुष को आने से अच्छा होता हो, उसको प्रिय लगता हो, प्रसन्नता बढ़ती हो, तो संसारियों के प्रसंग में जाना चाहिए। इसे इतनी छवि विश्वामित्र के जो दशरथ ने सौंपे थे वो राम की छवि, पदयात्रा करते थे वो राम। महाराज दशरथ को लेकर बारात आए। माक्षर शुक्ल पंचमी का दिन आया, पूरन बेला थी और भगवान रामायण सवारी निकली और प्रभु जी का स्वागत हुआ है। एक के बाद वेद और विवाह संपन्न होने लगा। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, कन्याकुमारी है हमारे दिल राजकुमार, तो इसी विवाह एक साथ चारों की शादी हो जाए। उर्मिला जी ब्याह साथ संभाल के लाई गई, लक्ष्मण जी को समर्पित, शुद्ध कीर्ति शत्रुघ्न महाराज को, मांडली जी भरत जी को भावरी हुई है। विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद भी कुछ दिन बारात रुकी है। स्नेह के रज्जु से बारात बंध चुकी थी, विदा नहीं मिलती थी। आखिर में विदा की बुलाई, मिथिलेश जनक की आंखों में आंसू आए, पूरी मिथिला के व्यक्त हुआ, क्योंकि आज किशोरी पति के बेटी की विदाई किसको नहीं दिला। चार चार कन्या आशीर्वाद दिए, नगर के बाहर तक पहुंचाने गए। क्या क्या हमारे लिए सम्मान था, क्या अरुण नयन गुरु बाहु जो लेकर गए थे उसी रूप को छोड़ कर जाना। अरुण नयन गुरु बाहु